नागौर नगर परिषद सभापति देर रात से करवा रही सीवरेज व्यवस्था में सुधार, वार्ड वासियों की शिकायतों का हो रहा त्वरित निस्तारण। सभापति के पति प्रणय गहलोत देर रात से करवा रहे हैं सीवरेज समस्या को सही। वार्ड नंबर 59 में सुबह 6 बजे से सीवरेज लाइन साफ करवाई जा रही है। नागौर शहर में सीवरेज की समस्या पिछले लंबे समय से जी का जंजाल बनी हुई है। हर दिन किसी न किसी वार्ड में इस समस्या का आम वार्ड वासियों को सामना करना पड़ता है। लंबे समय से चल रही इस समस्या का सभापति पायल गहलोत निस्तारण करने के लिए कल देर रात से वार्ड नंबर 59 में खुद मौके पर खड़ी हैं। वहीं आज सुबह 6 बजे से प्रणय गहलोत भी खुद वार्ड नंबर 59 में मौके पर खड़े हैं। पिछले 2 महीनों से यहाँ सीवरेज जाम पड़ी है, इसका निस्तारण करने के लिए सुबह से ही लगे हुए हैं। ये अपने माई दरवाजा से शारदाबाल निकेतन जो रोड जाती है उसमें त्यागी मार्केट है, वहाँ पानी काफ़ी इकट्ठा होने कीचड़ होने की खबर आई। और ये भी पता लगा कि 2-3 दिन से कार्मिक काम भी कर रहे हैं लेकिन काम पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है पता नहीं चल पा रही है, कभी संसाधन टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके लिए शाम को पार्षद साहब मनीष जी कहने पर हम लोग यहाँ आए और पता लगाया किस जगह से प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद रात को हमने इंस्टॉल मशीन से काफ़ी उसको साफ़ किया लेकिन पूरा क्लीन नहीं हो पाया, इसलिए सुबह अभी जनरेटर मंगवाया है, उसके थ्रू यहाँ से पानी सारा निकलवा के उस दूसरे वाले सीवरेज में डाल के इसको खाली करने के बाद प्रेशर मशीन से इसको साफ़ करवा के इसका परमानेंट निस्तारण करवाया जाएगा ताकि बार बार और आगे बरसात के मौसम को देखते हुए प्रॉब्लम नहीं आए। शहर में कई जगह ऐसी सीवरेज की समस्याएं आ रही है, तो क्या कारण है बार बार इनके जाम होने का और क्या लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि आप ये किस तरह से साफ कर सकते हैं? नहीं, हमने भी एक जब बात करते हैं तो एक आइडिया आता है, उसी तरह से एक आइडिया आया अभी कि चाहे कोई सीवरेज ब्लॉक है नहीं है, जितने भी पाइप हैं उनको एक तरफ से टायर डाल के रस्सी से खिंचवा के साफ करवाया जाए ताकि जो भी रेत वगैरह या कोई भी ऑब्स्टिकल आया हुआ है उसमें वो साफ़ हो जाए तो बार बार ये प्रॉब्लम पूरे शहर में नहीं आएगी। जब पानी फ्लोर आराम से निकलने लग जाएगा तो ये प्रॉब्लम मिट जाएगी, इसलिए बरसात से पहले पहले जितने भी सीवरेज लाइन है उनको इस तरह से क्लीन करवाएंगे। कई जगह अभी सीवरेज के कार्य भी अधूरे पड़े हैं नागौर शहर में, उसके लिए नया टेंडर निकल गया है, सेकेंड फेज का साइन हो गए और जल्द से जल्द वो आदमी बुला के काम चालू करवा देगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।